दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग जिया दोस्तों, जिसे सुनकर आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब 50% छात्र वेटिंग लिस्ट में भी शामिल हो सकेंगे। क्या ये पूरी खबर देख लेते हैं इस वीडियो में फटाफट से। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कमाल की एजुकेशन जॉब संबंधित वीडियो। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में रुपे कार्ड भीम और SBI ऐप लॉन्च किया है? आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना है स्मार्ट व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो LiveHindustan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देख लेते पूरी जानकारी। रेलवे में निकली 90,000 भर्ती के आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि फरवरी माह में ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट व तकनीशियन के पदों पर जो 90,000 भर्तियां निकाली गई थी उसके रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। यानी जब फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तब कुछ उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। अगर कोई चयनित उम्मीदवार किसी कारणवश ज्वाइन करने से इनकार कर देता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबर होगी ये आप सभी के लिए, यानी बाद में भी कुछ उम्मीदवारों की किस्मत चमक सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट में कुल वैकेंसी के 50% उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। या दोस्तों यानी 45,000 लगभग उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे। दरअसल सरकारी नौकरी के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा एक साथ कई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC, CDS, बैंक PO, बैंक क्लर्क, PCS आदि। 90,000 वैकेंसी के लिए जिन उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन होगा उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन किसी अन्य सरकारी नौकरी में हो गया हो। ऐसी स्थिति में वह रेलवे में ज्वाइन करने से इनकार कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विन लोहानी ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले साल मार्च अप्रैल तक 1,00,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लेगा। या दोस्तों मार्च महीने तक पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लोहानी ने कहा है कि रेलवे के पास लगभग 1,10,000 रिक्त पदों के लिए लगभग 2,37,00,000 आवेदन आए हैं। इन पदों के लिए परीक्षाएं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कराई जाएगी। इनमें रेलवे सुरक्षा बल के पद भी शामिल है। उन्होंने बताया मार्च अप्रैल 2019 तक ये नियुक्तियां हो जाएगी। 10 जुलाई तक 2,37,00,000 आवेदनों की छटनी पूरी कर ली जाएगी। हम उनकी शारीरिक और मानसिक जांच दिसंबर और जनवरी तक पूरा कर लेंगे और मार्च तक नियुक्ति कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को 15 भाषाओं में प्रश्न पत्र मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, कोकनी, असमी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु। रेलवे भर्ती बोर्ड ने फरवरी माह में ग्रुप डी के 62,000 पद और असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन के 26,000 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। इसके बाद करीब 10,000 भर्तियां रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF में भी निकाली गई थी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मार्च तक आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति करा ली जाएगी और जो 45,000 से भी ज़्यादा जो ऐसे कैंडिडेट होंगे वो वेटिंग लिस्ट में भी शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।